Welcome back to my channel, Mumita Kumar. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा बनाया हुआ कुछ केक्स और उसको बनाते वक्त का कुछ मोमेंट्स। ये है रेड वेलवेट केक जिसका फिलिंग और फ्रॉस्टिंग क्रीम चीज और व्हीट क्रीम से होता है और इसका जो केक स्पॉन्ज होता है वो रेड कलर का होता है। इसको बनाने का प्रोसीडियर थोड़ा डिफरेंट होता है दूसरे केकों से। मेरे नेक्स्ट बेकिंग वीडियो में मैं दिखाऊंगी रेड वेलवेट केक कैसे बनाते हैं। बटरस्कॉच केक बनाने के लिए उसका बेस स्पॉन्ज बेक की थी। यहाँ पे बटरस्कॉच क्रंचेस जो यूज किया है मैंने वो भी घर में ही बनाई हूँ। ये है चॉकलेट केक। यहाँ पे चॉकलेट गार्निशिंग या डेकोरेशन के लिए जो मैंने यूज किया है वो भी घर में ही बनाई हूँ। ये है रोजेट केक। इसका बेस चॉकलेट से बनाया हुआ है। ये है सिटिंग गर्ल केक बनाने के लिए जब उसका बेस रेडी कर रही थी। ये केक मैंने मेरी बेटी के बर्थडे पर बनाई थी। यह है दूसरा केक जो मैं मेरी बेटी के बर्थडे पर बनाई थी। दोस्तों ये है कुछ मोमेंट्स जब मैं मायके गई थी और वहां पे जाके मम्मी पापा और बहन के लिए ये चॉकलेट केक बनाई थी। यह है रोजे चॉकलेट केक बनाते वक्त का कुछ मोमेंट।
मिरर ग्लेज चॉकलेट केक। आप देख सकते हो जो बर्थडे का टैग है उसका रिफ्लेक्शन इसमें आ रहा है। ये एक कस्टमाइज्ड केक है जिसका बेस रेड वेलवेट है और इसका जो फ्रॉस्टिंग है वो ही व्हिप्ड क्रीम से बनाया हुआ है। बाहर से पहले इसको समझ में नहीं आएगा बट जब आप काटेंगे तब उसका अंदर रेड कलर का होगा। ये भी एक कस्टमाइज्ड ऑर्डर केक है। इसका बेस पूरा प्योर चॉकलेट से बनाया हुआ है। ये इल्यूशन केक मैं बटरस्कॉच फ्लेवर का बनाई थी। ये टू टायर का चॉकलेट केक मेरे एक रिलेटिव के बर्थडे पर मैंने बनाई थी। इस केक को बनाते वक्त का कुछ मोमेंट्स। साथ शेयर किया है वो कुछ भी प्री प्लान्ड या फिर ऐसा कुछ नहीं था, ये जस्ट कैजुअली लिया गया था। आज मन किया आप लोगों के साथ मैं ये मोमेंट शेयर करूं, सो आज मैंने ये सारा आप लोगों के साथ शेयर किया। এটা হলো বেবি পিঙ্ক কালার, এটা আমার ফেভারিট।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ बेल आइकन में जाके ऑल प्रेस करना मत भूलिएगा।